हे गाइस, तो आज हम बनाएंगे पेपर केस। तो इसके लिए मैंने लिया है ए फोर पेपर। यहाँ मैंने 24x24 सेंटीमीटर का ए फोर पेपर लिया है और इसे सेंटर में से इस तरह से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद हम इसकी क्रीज को बिल्कुल सेट करेंगे ताकि इसकी जो हमने जो लाइन क्रिएट की है फोल्ड करने के बाद, ये बिल्कुल प्रोमिनेंट हमें नज़र आए। और फिर हम इसको भी सेंटर में से फोल्ड कर देंगे जिस तरह हमने पहले फोल्ड किया। फिर फोल्ड जो किया होगा उसको भी हम सेंटर में से ऐसे फोल्ड कर देंगे जैसे मैं कर रही हूँ। और इसे भी हम बिल्कुल सेट कर देंगे ताकि इसकी क्रीज हमें नज़र आए। और फिर हम सेकंड साइड इसको ओपन करेंगे और फिर अदर साइड की दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे सेंटर में से। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे देख लेंगे कि बिल्कुल लाइन के साथ लाइन अटैच हो रही है। इसी तरह से फिर हम इसे फोल्ड करने के बाद इसे सेट कर देंगे ताकि हमारी जो क्रीज है हमें प्रोमिनेंट नज़र आए। और देखें, दोनों साइड से सेम फोल्ड हो गया है। सेम फोल्ड होने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने फोल्ड किया है इसको भी हम और फोल्ड कर देंगे। जैसे अब मैंने इसे फोल्ड किया हुआ था, इसको भी हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे जैसे मैं यहाँ फोल्ड कर रही हूँ। और फिर जो हमने जो फोल्डिंग की है उसे प्रोमिनेंट करने के लिए उसे और सेट कर देंगे ताकि हमारी क्रीज हमें नज़र आए। और सेकंड साइड से भी हम इसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने यहाँ किया। फिर हम सेकंड साइड से भी इसी तरह से ही फोल्ड कर देंगे और उसे सेट कर लेंगे ताकि हमारी क्रीज हमें नज़र आए। और सेट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो हमारी जो हमें थर्ड लाइन थी उसके साथ इसको इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए जो क्रीज नज़र आ रही है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये जो क्रीज है इसको हम इस तरह से इस तरह करके कट अटैच करके इसे भी फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम दोबारा सेट करेंगे जो हमने इसको हाफ में से हाफ सेट किया था, इसको हम दोबारा सेट करेंगे। दोबारा सेट करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह का दिखेगा। पेपर की हम एक साइड ओपन करेंगे और एक साइड को इसी तरह से क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद जो जिस कॉर्नर वाला पार्ट होगा उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ट्रायंगल की शेप में फोल्ड करेंगे यह हम। और इसके साथ वाला जो पार्ट होगा उसे भी हम इसी तरह से ट्रायंगल की शेप में फोल्ड कर देंगे जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये वाला कॉर्नर होगा जिसे हमने फोल्ड किया, उसी तरह से हम एक और कॉर्नर भी इसी तरह का क्रिएट करेंगे। अब ये देखें, मैं यहाँ ऐसे ही बनाऊंगी। यहाँ भी हमने जो अदर कॉर्नर होगा उसके भी ऐसे ही ट्रायंगल शेप दी, यहाँ से भी ट्रायंगल शेप दी। और फिर हमने यहाँ से भी इसकी जो एक पेज जो एक पार्ट होगा ना पेपर का वो उठाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो आप देखें, यहाँ मैंने इसी तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो इसकी हमें सेंटर लाइन है इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे जिस तरह मैं अभी यहाँ कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद हमारा एक पार्ट रेडी है और हमारा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो भी हम इसी तरह से ही रेडी करेंगे। तो देखिए, मैंने इसे हाफ में जो हमारी क्रीज थी उस तरह से हमने इसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर भी इसे इस तरह से सेंटर में इक्वल पार्ट्स में इसे हम डिवाइड कर देंगे। इक्वल पार्ट्स में हम इसे फोल्ड करेंगे। देखिए, मैं यहाँ फोल्ड कर रही हूँ ताकि हमारा जो पेपर है वो बिल्कुल नीट और क्लियर लगे। इस वजह से हम इसे प्रॉपर शेप देंगे, फोल्ड प्रॉपर करेंगे। और फिर मैंने इसी तरह से जैसे मैंने पहले ट्रायंगल शेप में यहाँ पे फोल्ड किया था और यहाँ पे भी हम वैसे ही ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। तो मैंने दोनों साइड से इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। और अब हमने फर्स्ट साइड की, अब हम सेकेंड साइड पर भी इसी तरह से ही जो पहले वाला पेपर है उसके इक्वल रख के हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखेंगे हमारा जो पेपर होगा वो कितना प्यार लुक देगा, आप देखें। फिर जो हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रायंगल्स बनाए हैं इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। जो देखिए हमारी केस की जो लुक आ रही है वो बहुत प्यारी आ रही है और जो जो लाइंस आ रही नज़र, इस तरह से हम करके इसे ओपन भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे इसके और परफेक्ट लुक देने के लिए और अच्छे तरीके से हमारा केस ओपन हो जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा साइड वाला पार्ट होगा फ्रंट वाला उसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे जैसे हम फोल्ड कर रहे हैं। और इसे बैक से भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे अब दोबारा ओपन कर देंगे। इस क्रीज को जो हमने एक और बनाई है क्रिएट की है, इसको ओपन करने के बाद जो हमने बीच में से सेंटर में से फोल्ड किया था
उसे हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद तो देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा केस किस तरह से ओपन होगा। ये देखें, हमारा केस ऐसे ओपन होगा, ठीक है। तो हमारा केस रेडी है। इसको और अच्छा बनाने के लिए हम इसके अंदर कुछ पेपर वगैरह लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है वाइट पेपर, और वाइट पेपर जो हमने लिया, यहाँ मैंने, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने यहाँ वाइट पेपर लिया क्योंकि उससे ब्राउन कलर में जो वाइट कलर का पेपर है ये प्रोमिनेंट होगा। तो उसके बाद मैंने पेंसिल से इससे जो हमने केस बनाया था उसी की ही हमने शेप देनी है। तो मैं पेंसिल से वाइट पेपर पे केस रखकर इसकी जो शेप है वो ड्रॉ कर दूंगी। तो देखिए इसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपने भी वैसे ही ड्रॉ करनी है। और जो केस के जो हम अंदर पेपर वाइट लगाएंगे, इसकी जो हमने साइज़ है वो थोड़ा कम रखना है ताकि वो अच्छी तरीके से अंदर जाकर सेट हो जाए। इसे हम सीजर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए हम इसको ग्लू करेंगे। ग्लू लगाने के बाद अब हम इसे पेपर केस के अंदर इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखें, मैंने जो वाइट पेपर था वो थोड़ा कम कट किया था इस वजह से, ताकि ये केस के अंदर जाकर बिल्कुल सेट हो जाए। तो देखें हमारा केस रेडी है, और मैंने इसे स्टिक करके इस तरह से लगा दिया है। और फिर अब हम इसमें अपनी जो हमने चीज़ें रखनी है हम वो रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर। केस को हम एक प्यार सा लुक देने के लिए इसके ऊपर मैंने कुछ ड्रॉ किया, और यहाँ मैंने गोल्डन मार्कर कलर यूज़ किया है। इसको मैंने ड्रॉ करने के लिए सर्कल्स वगैरह बनाए, आप हर्ट्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। और फिर मैंने इसे और प्यार लुक देने के लिए मैंने दो कलर यूज़ किए, एक गोल्डन और एक वाइट, ताकि इसका एक अच्छा सा लुक आ जाए, हमारा केस प्यार लगे। आप कोई भी शेप बना दें, मैंने यहाँ सर्कल, क्लाउड शेप, कुछ भी बना दिए, आप कुछ भी बना सकते हैं, आपका अच्छा लगेगा। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे ही बनाएं। इसको बनाने के बाद मैंने इस साइड भी बना दिया और उसकी फ्रंट साइड भी बना दिया, ताकि हमारा पूरा केस एक जैसा लगे और प्यारा लगे। बनाने के बाद हम इसमें कुछ भी रख देंगे। यहाँ मैंने पिंस रखनी थी, तो मैंने कहा कोई पिंस हमारी ऐसी रखी रहती है, इसको बनाने के लिए, इसको रखने के लिए हमें कुछ अच्छा सा बनाना चाहिए। तो मैंने ये केस बनाया, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और फिर मैंने आपसे शेयर किया, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पिंस रखी हैं, आप कुछ भी रख लें। तो देखिए हमारा केस रेडी है, तो आप देख सकते हैं हमारा केस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये रखा हुआ कितना अच्छा लगेगा। इससे हमारा ये है कि हमारी रूम की लुक भी बहुत प्यारी आएगी, रूम में चीज़ रखी हुई बुरी नहीं लगेंगी और अच्छी लगेंगी। और इस तरह से ये एक पेपर में ही हमने इतना प्यारा केस बना दिया है, तो देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, और आप ट्राई ज़रूर ज़रूर करें, और इसे बताएँ कि आपको ये केस और ये आइडिया कैसा लगा।